नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन वर्क हेल्प में आपका स्वागत है। मैं सुधीर आज इस वीडियो में बताऊंगा कि जो कैटरपिलर में आपका इनकम होता है या इनकम आपका शो कर रहा होगा, जैसा कोई नया यूज़र जो है रजिस्टर और टास्क कंप्लीट करने पे उसको 15 रुपये मिलता है, उसको कैसे करके आप तुरंत का तुरंत आप रिचार्ज कर सकते हैं या उससे भी ज़्यादा अगर रिचार्ज करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो एप्लीकेशन होगा आपका कैटरपिलर का, वो एप्लीकेशन को आपको ओपन करना है। यहाँ पर पूरा जानकारी मैं दे दूँगा कि कहाँ से किस तरह से करना है, ठीक है। इस तरह का आएगा तो कट कर दीजिएगा। और यहाँ पे जैसे यहाँ पे डेली टास्क आता है, ठीक है, जो डेली टास्क अगर कंप्लीट करते हैं जो न्यू यूज़र के लिए, तो इसमें भी आपका डेली का डेली इनकम आपका आएगा। उसका यहाँ पे एक्स्ट्रा अर्निंग है। एक्स्ट्रा अर्निंग मतलब आप अगर स्पिन करते हैं या वीडियो देखते हैं, ये जो चार तरीके से गेम खेलते हैं, तो इस तरह से इनकम यहाँ पे मिलता है। और जैसे 50 रुपये होता है आप रिडीम कर सकते हैं, इसमें कॉइन मिलता है। और टुडे अर्निंग का मतलब यही होता है, जैसे आप खुद अगर डेली एडसिन कर रहे हैं, मतलब डेली टास्क कंप्लीट कर रहे हैं और किसी यूज़र को अगर ज्वाइन कर रहे हैं या वो यूज़र ज्वाइन कर रहा है या कुछ भी, इसमें जितना भी तरीके से इनकम होता है यहाँ टुडे इनकम में शो करता है। और ये जो वॉलेट है, यहाँ पे आपका वॉलेट में आना है कुछ भी करने से, अगर आप बैंक में विड्रॉल करो या आप रिचार्ज करो, तो बैंक यहाँ पे वॉलेट है, वॉलेट में आपको आना है। यहाँ पे सिर्फ मैं ये दिखा दे रहा हूँ कि शो कहाँ पे करता है। जैसे यहाँ पे जो रिचार्ज यहाँ पे शो कर रहा है, ठीक है, ये वाला रिचार्ज, तो यहाँ पे 15 रुपये आपका शो करेगा। अगर नया यूज़र है, मैंने रिचार्ज किया हुआ था, इसके लिए अभी 5 रुपये मेरा बचा हुआ है। और यहाँ पे रिडीम टू वॉलेट, यहाँ पे रनिंग वॉलेट यही है जो भी आपका टुडे अर्निंग होता है, ठीक है। टुडे अर्निंग के बाद जो आपका नेक्स्ट 12 बजे, रात का 12 बजे, वहाँ से लेके यहाँ पर ट्रांसफ़र हो जाता है, यह रनिंग वॉलेट है। तो रनिंग वॉलेट में अगर आपका रहता है, आपको डेली का टास्क कंप्लीट करें, अगर नहीं पता होगा तो आप यूट्यूब पे देख लेना या अपने सीनियर से कांटेक्ट करना, कुछ भी दिक्कत हो वो बताएंगे। तो यहाँ पे क्या है, आपको रिडीम में क्लिक करना है। यहाँ पे जो रिडीम दिया हुआ है, यहाँ पे जैसे आप क्लिक करते हैं यहाँ पे बताएगा आपको बैंक में ट्रांसफ़र करना है या रिचार्ज वॉलेट में ट्रांसफ़र करना है। यहाँ पर मतलब ट्रांसफ़र टू पे वॉलेट का मतलब पे वॉलेट है, वहाँ से आप जो है बैंक में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अभी जैसे रिचार्ज के बारे में बता दे रहा हूँ, तो यहाँ पे क्लिक करना है ट्रांसफ़र टू रिचार्ज वॉलेट। तो यहाँ पे जैसे क्लिक कर दिए, क्लिक करने के बाद आपको सिलेक्ट में क्लिक करना है। जैसे आप सिलेक्ट में क्लिक कर देंगे, ये वाला ऑप्शन आ जाएगा, एक वीडियो आएगा सबसे फर्स्ट। तो अगर इस तरह का वीडियो अगर आता है तो वीडियो को पूरा देखना है। उसका यहाँ पे जो कट मार्क दिया हुआ है, कट मार्क को क्लिक कर देना है। जैसे कट मार्क को क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए 217 यहाँ पे शो कर रहा है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ये वाला जो प्लस का आइकॉन है इस तरह का, ठीक है, ये माइनस है, ये प्लस है, तो यहाँ पे 21 रुपये शो कर रहा है। तो यहाँ पे प्लस में क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करते रहिएगा तो यहाँ पे जितना इनकम आपको रिचार्ज वाले में ट्रांसफ़र करना हो आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे पूरा पैसा ही ट्रांसफ़र कर दे रहा हूँ, 217 यहाँ पे शो कर रहा था ना, 217 रुपये 3 पैसा, तो 217 रुपये भी ट्रांसफ़र कर ले रहा हूँ। तो यहाँ पे सबमिट में क्लिक करना है, यहाँ पे प्लस प्लस करके हो जाएगा, तो यहाँ पे 100% यहाँ पे डिडक्शन अमाउंट। तो यहाँ पे सबमिट में जैसे हम क्लिक करते हैं, ये वाला यहाँ पे इस तरह से सबमिट हो जाएगा, रिडीम सक्सेसफुल। अगर आपको बैंक में ट्रांसफ़र करना होगा तो वहाँ पे कर सकते हैं, तो उस तरह का आएगा। तो वहाँ पे जो वॉलेट है वहाँ पे ट्रांसफर, जहाँ पे देखिए रिचार्ज वॉलेट में मेरा 222 रुपये आ चुका है। अभी 5 रुपये था, मैंने ट्रांसफ़र किया 217 रुपये, तो 5 रुपये एक्स्ट्रा था, तो 22 रुपये हो गया। तो आपको क्या करना है, इसका जो वेबसाइट है, ठीक है, आपको क्रोम ब्राउज़र जो है ओपन करना है। क्रोम ब्राउज़र ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, एक मिनट, यहाँ पे ये सब हटा दे रहे हैं, जैसे समझ में आए, इसको पूरा कट कर दे रहे हैं, सब मैं चेक कर रहा था। यहाँ पे क्रोम ब्राउज़र जैसे ओपन करेंगे आपका गूगल का ऑप्शन ओपन हो जाए। तो यहाँ पे गूगल में आपको लिखना है billa.com, ठीक है, billa.com, तो इस तरह से पूरा लिखेगा। लिखने के बाद आपको यहाँ पे ये वाला में क्लिक कर देना है। ये जब क्लिक करेंगे, ये वाला जो वेबसाइट है ये राउंड पे का ही वेबसाइट है, कैटरपिलर का वेबसाइट है। तो सबसे फर्स्ट टाइम अगर आप अगर मतलब रिचार्ज करना चाह रहे हैं तो आपको सबसे पहले साइनअप करना है, ठीक है। ये जो साइनअप का यहाँ पे दिया हुआ है, ये वाला साइनअप, तो ये साइनअप में आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद साइनअप नाउ क्लिक करेंगे तो यहाँ पे मोबाइल नंबर देना है, जो नंबर आपने रजिस्टर किया है, ये जैसे दे दिए। यहाँ पे नाम देना है, सिर्फ नाम आधा ही दीजिएगा, सुधीर है सुधीर ही दे दे रहे हैं। उसका ईमेल आईडी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, जो ईमेल आईडी आप चला रहे हैं, ये जो लोग सॉरी रजिस्टर किए थे वही ईमेल आईडी देना है। तो इस तरह से जैसे आप करेंगे, ठीक है,
ये मैंने ईमेल आईडी दे दिया, नाम दे दिया और मोबाइल नंबर दे दिया, उसका साइन अप में क्लिक करना है। मेरा रजिस्टर हो चुका है, तो जैसे ये वाला साइन अप में क्लिक करेंगे यहाँ पे बताएगा योर रजिस्ट्रेशन इज सक्सेसफुली। मेरा जो है पहले से रजिस्टर किया हुआ है, इसलिए जो है रजिस्टर जो बताए यहाँ मोबाइल नंबर ऑलरेडी एग्जिट बता रहे हैं। तो यहाँ पर डायरेक्ट ये वाला जो लॉगिन का है, ये वाला लॉगिन यहाँ पर भी ये वाला लॉगिन है ना, यहाँ पर भी क्लिक कर सकते हैं। या आपका अगर रजिस्टर पहले से किए हुए हैं तो पहले से करेंगे तो आपको पता चल ही जाएगा, तो लॉगिन पे क्लिक ही कर दे रहे, ठीक है। तो लॉगिन पे जैसे क्लिक करेंगे आपका यहाँ पे मोबाइल नंबर और पासवर्ड मांगेगा, तो मोबाइल नंबर आपको वही वाला मोबाइल नंबर देना है 8073250 78, और पासवर्ड में अपना पासवर्ड दीजिएगा जो आपने कैटरपिलर में रजिस्टर किया था, जो पासवर्ड डाले थे उसको पासवर्ड देना है। यहाँ पे जैसे मैंने पासवर्ड डाल दिया, तो पासवर्ड डालने के बाद आप लॉगिन में क्लिक कीजिएगा, ठीक है। अब जैसे आप लॉगिन में क्लिक करेंगे आपका जो है वेबसाइट ओपन हो जाएगा। अच्छा सॉरी, यहाँ पे एक OTP आएगा, स्टार्टिंग में भी आएगा, जब आप लॉगिन करेंगे तभी आप यहाँ पे एक OTP आएगा मोबाइल नंबर पे। वेट कर ले रहे OTP का। जैसे यहाँ पे OTP आ चुका है बहुत ही देर बाद, ठीक है। यहाँ पे देख रहे F9F65D, यहाँ पे जैसे है देख लीजिए इस तरह का है F9F65D है, जो स्मॉल है स्मॉल में देना है और जो कैपिटल है कैपिटल में देना है। तो यहाँ पे उसके बाद आपको सबमिट OTP में क्लिक करना है। जैसे सबमिट OTP पे क्लिक करेंगे आपका जो है साइट ओपन हो जाएगा। यहाँ पे देखिए यहाँ पे तो जैसे ये लॉगिन हो चुका है मेरा डैशबोर्ड, तो यहाँ पे देखिए वॉलेट में जैसे कि यहाँ पे 222 रुपये शो कर रहा था, तो यहाँ पे भी 222 रुपये यहाँ पे शो कर रहे हैं। तो यहाँ पे पूरा नीचे आ गया, तो जैसे कि मोबाइल रिचार्ज करना है तो यहाँ पे मोबाइल रिचार्ज, DTH रिचार्ज या लैंडलाइन या इलेक्ट्रिसिटी बिल, गैस, वाटर, ये सब का भी आप पेमेंट पे कर सकते हैं। तो यहाँ पे मोबाइल जैसे रिचार्ज करना है तो यहाँ पे रेट जो है ऑटोमेटिक सबसे ऊपर में मोबाइल का रहता है, वो ऑटोमेटिक वहाँ पर रहेगा। तो यहाँ पर क्या करना है, आपका जो मोबाइल नंबर है जो उसमें आप रिचार्ज करना चाहते हैं वो नंबर यहाँ पर फिल करना है, 7899663820, ये मेरा एयरटेल का नंबर है। अब पोस्ट पेड है तो यहाँ एयरटेल का नंबर ऑटोमेटिक यहाँ पे सिलेक्ट हो चुका है, अगर नहीं होता है तो आप यहाँ से जो है सिलेक्ट कर सकते हैं कि एयरटेल का नंबर है बोल के, तो यहाँ से मेरा तो ऑटोमेटिक आ गया। अब जितना आपको रिचार्ज करना है, आपको अगर पता होगा कि मुझे इतना ही रिचार्ज करना है, तो अमाउंट में आप क्लिक करना है या व्यू प्लान जहाँ पे है वहाँ पे आप क्लिक करके जो है उस नंबर का प्लान आप देख सकते हैं। तो मेरे को जो है 169 का रिचार्ज करना है, 169 का रिचार्ज करना है। तो यहाँ पे जैसे आप यहाँ पे क्लिक कर दिए, क्लिक करने के बाद यहाँ पे फिल हो गया, अब डायरेक्ट आपको गो में क्लिक करना है, ठीक है। जैसे आप गो में क्लिक करेंगे थोड़ा प्रोसेस होगा, यहाँ पर देखिए कि कन्फर्म रिचार्ज, ये मोबाइल नंबर एयरटेल का है आते रहता है, जो है 169 का रिचार्ज हो चुका है, नहीं अभी नहीं हुआ है उसका यूज़ वॉलेट, क्योंकि वॉलेट से कर रहे। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। ये वाला है यूज़ वॉलेट जहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे टिक मार में क्लिक करना है। क्लिक करने के वॉलेट अमाउंट जो है 169 का जो है आ रहा है। तो वहाँ पर जैसे आप कन्फर्म में क्लिक करेंगे, जैसे यहाँ पर कन्फर्म में हम क्लिक कर दिए, क्लिक हुआ कि नहीं रिचार्ज, यहाँ पे रिचार्ज सक्सेसफुली बता रही है, मेरा ट्रांजेक्शन आईडी यहाँ पे शो कर रहा है, स्टेटस सक्सेसफुली बता रहा है, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे क्लोज कर देना है। जैसे आप क्लोज करेंगे आपका यहाँ पे देखिएगा आपका जो अमाउंट है यहाँ पे कट चुका है, 169 का जैसे कट होकर अभी 53 रुपये यहाँ पर शो कर रहा है, ठीक है। तो ये देखिए मोबाइल जो है मेरा एयरटेल में रिचार्ज हो चुका है और यहाँ पर जैसे मैसेज भी आ चुका है, तो तुरंत का तुरंत रिचार्ज भी हो गया, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं पूरा ही दिखा दे रहा हूँ कि जो है रिचार्ज हो चुका है। तो इस तरह से अपना मोबाइल का रिचार्ज आप कर सकते हैं, ठीक है। अभी देखिए जस्ट जो है रिचार्ज हुआ, मेरा ही मोबाइल नंबर है, ये क्या आ गया, ये तो आ रहा है कहाँ से, ये वाला जैसे यहाँ पे रिचार्ज सक्सेसफुली बता रहा है, 169 का मैंने रिचार्ज कर लिया, ठीक है। तो इस तरह से अपना मोबाइल रिचार्ज आप कर सकते हैं। और एक मिनट, तो देख सकते हैं कि जो है बिना किसी पैसे लगाए भी आप अपना जो है रिचार्ज खुद ब खुद अपना कर सकते हैं, ठीक है। और इसका जैसे 7 लेवल तक जो प्लान होता है, जैसे इनकम प्लान, जैसे मैंने रिचार्ज किया तो मेरा कमीशन जो है सारा लोगों को, जो मेरा अप टू 7 लेवल तक सारा लोगों को मिल जाएगा। तो इस तरह का देखिए, अगर ज़्यादा से ज़्यादा आप टीम बनाएँ, अगर आपका टीम भी अगर रिचार्ज करता है तो भी आपका जो है इनकम यहाँ पर बढ़ेगा। अगर तो ज़्यादा से ज़्यादा टीम बनाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा इनकम करें। और मैं ये बता देता हूँ कि ये मेरा यूट्यूब चैनल है, यहाँ पर आप देख लेना,
विजिट कर लेना ऑनलाइन वर्क हेल्प, तो यहाँ पे सारा वीडियो आपको मिल जाएगा कि कैसे करके जो है ज्वाइनिंग लगाना है। आप ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइनिंग लगा सकते हैं। ये पेमेंट प्रूफ, लाइव पेमेंट प्रूफ दिखाया गया कि एक सेकेंड में जो पैसे कैसे ट्रांसफ़र किया जाता है और डेली का टास्क कैसे कंप्लीट करते हैं, ये भी वीडियो है, आप देख लेना। और डेली का डेली आप अगर एडिशन भी करते हैं, अपना डेली का टास्क भी कंप्लीट करते हैं, तो डेली का इनकम आपको उसमें भी मिल जाएगा, ठीक है। और किस तरह से ज्वाइन होना है, अगर किसी तरह का कभी दिक्कत प्रॉब्लम होता है या आपको कुछ जानकारी चाहिए, तो ये मेरा नंबर है 8073-25078, कॉल एंड व्हाट्सअप दोनों नंबर हैं, इस नंबर पे आपको कॉन्टेक्ट करना। और इसमें तो कोई पैसा नहीं लग रहा है, सिर्फ सीखना है, बस इतना ही है। और ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग करें। अगर वीडियो अच्छा लगा तो ये वाला सुन लीजिए, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, अगर नहीं अच्छा लगा तो डिसलाइक ज़रूर कीजिएगा, ताकि मुझे भी पता चले मैं कितना बकवास वीडियो बनाता हूँ, ठीक है। अगर कमेंट पर अपना राय देना कि किस तरह का लगा। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, और बेल का आइकन को भी आपको क्लिक कर देना है, ताकि जो भी आगे का बकवास वीडियो बनाऊँ आपको जानकारी मिलते रहे थोड़ा बहुत। तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।